हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी पी एस सी उत्कर्ष माई नेम इज़ पूजा द्विवेदी एंड गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एम पी एंस दैट एम पी हैज स्टॉप्ड इन द कलेक्शन ऑफ जी एस टी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल यानी कि अगर टैक्सेशन सिस्टम अच्छा है कलेक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ रही है गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ रही है तो वेलफेयर स्कीम्स भी अच्छी आएंगी चलिए देखते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं यू पी एस सी और एम पी पी एस सी की वी हैव कम अप विद अ थ्री ईयर प्लान एंड दीज प्लान्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन गेटिंग Perfect grounded studies for your examination. First year, में आपको एन से फाउंडेशन डेवलप करवाएंगे उसके बाद मेंस और प्री के सिलेबस में सेकेंड ईयर से फोकस करने लगेंगे और थर्ड ईयर तक आते आते इतना बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप एम और यू एक साथ भी दे सकते हैं तो ये कोर्स वैसे तो टू लाख का है बट आपको वन लाख एटी थाउजेंड में मिल जाएगा इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो दिस इज द देल्पलाइन यू कैन कॉल और इफ़ यू आर लिविंग इन इंदौर दिस इज़ द प्लेस यू कैन विजिट ठीक है तो लेट्स टॉक अबाउट इट व्हाट इज जीएसटी जीएसटी एस इज बेसिकली एन इनडायरेक्ट टैक्स राइट इन टैक्स यानी कि ज़्यादातर रिग्रेसिव माना जाता है मतलब अगर यहाँ पे एक बिजनेसमैन को सौ रुपए पे दो रुपये टैक्स देना है तो इसी तरह एक कॉमन मैन को जिसकी इनकम इतनी नहीं होगी बिजनेसमैन की जितनी उसे भी दो रुपये ही देना पड़ता है इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में रखा गया है है ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इसको फाइनली डेस्टिनेशन पे कलेक्ट किया जाता है जी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये पूरे इंडिया में इम्पैक्ट करता है मतलब होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है और ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पे टैक्सेशन सिस्टम को दिखाता है सो so, मध्य प्रदेश ने टॉप पोजीशन लाई है पूरे इंडियन स्टेट्स में 30 परसेंट की इंक्रीज उसने देखी है अप्रैल 2024 के मंथ में जीएसटी कलेक्शन एमपी अप्रैल कितना हो चुका है 3713 करोड़ अप टू 30 परसेंट एज कंपेयर टू दी कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड एक साल पहले अप्रैल में नेशन ऑल्सो विटनेस एंड इलेवन परसेंट इंक्रीज पूरे देश में भी हो रहा है मतलब टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम तो हो ही गया है कंट्री ने एक हिस्टोरिक माइल टोटल जीएसटी कलेक्शन में देखा विथ रिकॉर्डिंग रीचिंग रुपीज टू पॉइंट टेन लाख करोड़ इन द इनिशियल मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर Total number of registered GSC pairs also has increased to more than फाइव लैक पीपल ना दईडिया ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज टाउटेड वन द प्राइम मिनिस्टर वॉज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर वन अमेंडमेंट बिल आया ऑफ 2020 ट्वेंटी uh, टू इसने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी और फिर फाइनली पास कर दिया गया लोकसभा के द्वारा मई 2015 में और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल वन अमेंडमेंट बिल क्या बन गया एक्ट बन गया तो एक्ट बन के क्या हो गया ये वन नंबर का एक्ट है बिल क्या था नंबर का तो इतना डिफरेंस याद रखना 2016 और फिर उसके बाद जी लग गया ये लॉन्च कब हुआ है फर्स्ट जुलाई 2017 से ये एक मल्टी स्टेज कलेक्शन है यानी कि हर स्टेज पे एक बार टैक्स कलेक्ट होगा और फाइनल बर्डन किसके ऊपर आएगा फाइनल बर्डन कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड एट ईच स्टेट विल बी अवेलेबल टू दी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन यानी कि अगर आपने एक स्तर पर टैक्स पे कर दिया है उसका कलेक्शन सेकेंड लेवल पे होगा जब वैल्यू इसमें एडिशन होगी ठीक है उसके बाद फाइनल कंज्यूमर के पास क्या होगा डेस्टिनेशन क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड चार्ज है बर्डन कितना पास होगा विल बेयर ओनली द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट डीलर यानी लास्ट डीलर से जो जीएसटी चार्ज हुआ है उसका बर्डन किस पे आ जाएगा कस्टमर पर आ जाएगा तो इस वजह से थोड़ा बहुत टैक्सेशन यहाँ कम हो जाता है ये एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स है पूरे कंट्री में फीचर्स क्या क्या हैं जीडीपी जीएसटी के ये सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के पास आता है के ऊपर आता है अगेंस्ट दी प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ़ गुड्स ठीक है उसके बाद ये एक प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन पे है यानी कि कंज्यूमर के पास जाते जाते आप टैक्सेशन कलेक्ट कर पाएंगे ये डुअल जीएसटी भी सिस्टम है यानी कि स्टेट का अलग जीएसटी अप्लाई होता है सेंटर का अलग जीएसटी अप्लाई होता है पर बेस कॉमन रहता है जीएसटी जो सेंटर के द्वारा लगाया जाता है उसको सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है स्टेट्स के थ्रू जो लगाया जाता है उसे स्टेट जीएसटी कहा जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी जब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तब लगा, लगता है फोर रेट्स में आता है फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट सिक्सटीन परसेंट और ट्वेंटी एट परसेंट गिवन क्या नेचर है गुड्स का नेसेसिटी है या लग्जरी उस पर लगाया जाता है जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेता है सारे कि किस तरह से जीएसटी लगना है इसको हेडकॉन

काउंसिल सेटअप होती है ताकि जो काउंसिल सेटअप होती हैं सेंटर का इसमें वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वोटिंग में टू थर्ड किसके पास होता है स्टेट्स के पास होता है और जब भी हम वोटिंग करते हैं अब यहाँ देखो ये फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे स्टेट्स के पास वोटिंग पावर ज़्यादा है थ्री बाई टू बाय थ्री है और सेंटर के पास कम है इसीलिए ये एक फेडरल स्ट्रक्चर को जीएसटी को बोलते हैं एक फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है और मेजोरिटी डिसीजन होता है जब तीन बाई चार मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट पर्सन वो वोट कर रहे हों चैलेंज है कुछ कुछ देखो जब रिफंड होना होता है जीएसटी का तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो वर्किंग कैपिटल अगर यू नो you know, नहीं है तो बहुत बार क्या होता है इन्वेस्टमेंट रुक जाता है ऑपरेशन से रुक जाते हैं रेट डिफ्रेंशिएशन की वजह से जैसे मैंने बताया कि यूनिफाइड टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब ये बेसिकली ऐसे टाइप ऐसे लोगों पे लगाया जाता है जो पुअर भी हो और रिच भी हो तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे जनरली होते हैं रेग्रेसिव इन नेचर होते हैं कांस्टेंट अमेंडमेंट्स की वजह से कंफ्यूजन लगातार क्रिएट होता है टैक्स पेयर्स के माइंड में और थोड़ा थोड़ा उनके पास से फेथ भी हटने लगता है जी पे और यहाँ पर जी के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कोई यूनिफॉर्मली एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम अभी हमारे पास कानून के तहत नहीं है स्टैचुटरी लेवल पर नहीं है जब तक कानून के तहत पे नहीं होगा तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ और हैं जैसे बार बार इतने सारे टैक्स रेट्स हैं तो यह आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि टैक्स रेट सही है कि गलत है या टैक्स रेट किस पे ज़्यादा लगना चाहिए किस पे कम लगना चाहिए जीएसटी कलेक्शन में कई बार ऐसा होता है शॉर्टफॉल भी आ जाता है और यहाँ पे जीएसटी पे बार बार अमेंडमेंट की वजह से वॉलीटिलिटी भी आती है कभी कभी लोग फाइल भी नहीं करते हैं रिटर्न्स तो वो भी एक अलग इशू है स्टेट्स का डिपेंडेंस रहता है सेंटर के ऊपर कि भाई ये कब जीएसटी कलेक्ट करें और हम के हमारे ऊपर हम बोल सकते हैं वितरण करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमेशा डिपेंडेंस रहती है यहाँ पे जीएसटी कब से लॉन्च हुआ था इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा 1st जुलाई 2016 1st जुलाई 2017 1st जुलाई 2018 या 1st जुलाई 2019 थैंक यू सो मच एवरीवन स्टे अपडेटेड